हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है रिजल्ट गुरु। और आप सभी लोग जानते हैं रिजल्ट गुरु आपके एसएससी जीडी को टारगेट करते हुए सामान्य विज्ञान की एक सीरीज को लेकर के आया है, जिसमें सामान्य विज्ञान और स्टैटिक जीके दोनों के मर्जर को दिया गया है। तो बेसिकली इसमें हम लोग कई सारी नई चीजों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप लोगों के लिए रासायनिक सूत्र और उनके उपयोगों से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के आया गया है। जिस तरीके से हम लोगों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री में कई सारे टॉपिक को ऑलरेडी देख लिया है, उसी तरीके से आज हम लोग केमिस्ट्री में केमिकल फॉर्मूले की बात करेंगे। और आप लोगों को बता दें कि आपके लेवल पर एसएससी जीडी में अगर केमिस्ट्री से कोई चीज आती है तो आते हैं केमिकल फॉर्मूले। तो आप लोग भी देर ना करते हुए केमिकल फॉर्मूले को तैयार कर लीजिए, पढ़ लीजिए और इनसे रिलेटेड जो जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं और इसके अलावा और कौन कौन से महत्वपूर्ण फॉर्मूले हो सकते हैं उनको भी हम बताएंगे। पहला फॉर्मूला लिखा है संगमरमर, जिसको मार्बल कहा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। क्या होता है? CaCO3 कहां कहां मिलता है? तो याद रखिएगा, चट्टाने, चाक जो लिखने वाली होती है, संगमरमर, इन सब का फॉर्मूला CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो याद रखिएगा कि हमारे घरों में जो मार्बल लगा होता है, जो चट्टाने होती हैं या जो चौक होती है, उन सब का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। याद रहेगा ये जो 3 है ये छोटा होता है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई, इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, एक बात और कि इसी CaCO3 को अगर पानी में डाल दिया जाए तो बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस। इसको कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। और याद रखिएगा यही है चूना, बुझा चूना या चूना पानी का पानी, याद रहेगा। और इसके साथ साथ एक गैस भी निकलती है जिसका नाम है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को पानी में डाला जाता है तो एक अदृश्य गैस निकलती है और उस गैस के पास जलती हुई तीली को ले जाया जाए अगर तो क्या होगा? तो याद रखिएगा जलती हुई तीली बुझ जाएगी, जलती हुई तीली क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। याद रहेगा, तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट को, तो ये क्वेश्चन सीधे आया हुआ था वो इसलिए रख दिया है। तो याद रखिएगा अगर कैल्शियम कार्बोनेट को पानी में डाला जाए तो इसके साथ साथ बहुत सारी एनर्जी भी निकलती है, या इसको हीट भी कह सकते हैं, हीट के फॉर्म में निकलती है। और याद रखिएगा वो अभिक्रियाएं जिनसे हीट निकलती है वो क्या कहलाती हैं? मैं ये लिख देता हूँ, वो अभिक्रियाएं जिनसे ऊष्मा निकलती है ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मा रिएक्शन कहलाती है ऊष्मा छेपी। ऊष्मा थेपी को क्या कहा जाता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हो गया, याद रहेगा। चलिए अगली बात ध्यान से देखते हैं। अब बात आती है अम्लराज। तो अम्लराज का फॉर्मूला क्या होता है? अम्लराज का फॉर्मूला याद रखिएगा, अम्लराज का फॉर्मूला होता है HCl प्लस HNO3। बस अंतर होता है कि 3:1 के रेशियो में इसे मिलाया जाता है। अगर 3 अणु HCl के हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के हैं, और 1 अणु अगर नाइट्रिक अम्ल का है, तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? अम्ल राज बनाते हैं। इसको एक्वा रजिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं? एक्वा रजिया यानी अम्ल राज के नाम से जाना जाता है। अब अम्लराज की एक इंपॉर्टेंट कहानी को और समझने की कोशिश कीजिए। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है गलाने के लिए। किसमें किया जाता है? गलाने के लिए उपयोग किया जाता है। किसको गलाने के लिए? तो पहले के जमाने में हम लोगों के घरों में जो सोने और चांदी के जेवर होते थे या जो गहने होते थे, आप लोगों को याद होगा सोने और चांदी के जो गहने होते हैं उनको लंबे समय तक रखा जाए तो वो काले वगैरह पड़ जाते हैं, तो उनकी कराई जाती है सफाई।
तो सफाई कराने के लिए कई बार लोग आते थे और कहते थे कि फ्री में सफाई करा लो। वो लोग अपना एक छोटा सा लिक्विड लेकर के आते थे, एक छोटा सा पॉट होता था, बर्तन होता था, उसमें उन गहनों को रखते थे। रखने के बाद उनमें लिक्विड डालते थे और लिक्विड डालने के बाद थोड़ी देर में वो गहने एकदम चमक जाते थे, साफ हो जाते थे, और वो बिना फ्री में बिना कुछ किए वो गहनों को साफ कराते थे। ऐसे में होता क्या था कि गहने तो साफ जाते थे लेकिन वो सोने और चांदी की जो पतली सी लेयर थी वो उतर करके उनके पानी में जाती थी, और उस पानी से वो लोग या वो जो लिक्विड बनता था उससे वो लोग फिर से गोल्ड और सिल्वर को निकाल लेते थे। तो एक तरीके की चोरी में इसका उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता था। तो अम्लराज याद रहेगा, फॉर्मूला क्या है, HCl plus HNO3। अगला फॉर्मूला अगला है हैवी वाटर, भारी जल, और फॉर्मूला है D2O। भारी जल का फॉर्मूला याद रखना D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है। हम लोग जो पानी पीते हैं, जो जल पीते हैं, वो है H2O। कई सारे लोगों के दिमाग में ये भी हो सकता है कि H2O और D2O में क्या अंतर है। तो सबसे पहले तो हाइड्रोजन के समस्थानिक को देख लीजिए। आप लोग जानते होंगे हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक हैं, कौन कौन से हैं, 1H1, दूसरा होता है 1H2, तीसरा होता है 1H3, प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटीरियम, और तीसरा होता है ट्राइटियम। कौन कौन सा, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम, 1H1, 1H2 और 1H3। तो याद रखिएगा, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम में जो ड्यूटीरियम होता है इसको शो किया जाता है डी से, और इसी ड्यूटीरियम से बनता है भारी जल, और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। याद रखिएगा, इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। इसमें किया जाता है नाभिकीय जो रिएक्टर होते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर हो गया। चलिए अगला देखिएगा, अगर हम बात करते हैं चीनी का रासायनिक नाम क्या है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ शुगर। अगर चीनी के रासायनिक नाम की बात करेंगे तो फॉर्मूला होता है C12H22O11। क्या फॉर्मूला होता है, C12H22O11, और इसको सुक्रोज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, सुक्रोज के नाम से जानते हैं। और याद रखिएगा, ये किससे निकलती है, तो ये किससे बनती है, तो शुगर केन, यानी गन्ने से प्राप्त होती है। एक चीज और बता दें, C12H22O11, इसकी क्रिया जब H2O यानी पानी से कराई जाती है तो बनता है C6H12O6 प्लस C6H12O6, ठीक है, यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के रूप में ये अलग अलग हो जाते हैं। तो याद रखिएगा कि जो सुक्रोज होता है C12H22O11, इसमें अगर पानी को मिला दिया जाए तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में दोनों में क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। क्लियर हो गया। अगला देखिए, मार्स गैस। मार्स माने होता है दलदल। मार्स माने क्या होता है, दलदल होता है। तो दलदली क्षेत्रों में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो याद रखिएगा दलदली क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाली गैस का नाम है मीथेन। तो मीथेन गैस कहाँ पर उत्पन्न होती है, तो दलदली क्षेत्रों में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो दलदली क्षेत्रों में गैस उत्पन्न होती है मीथेन। याद रहेगा, दलदली क्षेत्रों में। याद रखिएगा, जो नाले होते हैं, नाले, उनसे कौन सी गैस निकलती है, तो मीथेन गैस निकलती है। और आपने सुना होगा कि मोदी जी ने कहा था कि नालों से निकलने वाली गैस को इकट्ठा करके और उससे भी ईंधन को उपयोग में किया जा सकता है। और याद रखिएगा, धान के खेत से मीथेन गैस निकलती है। जो धान के खेत होते हैं ना, उन धान के खेत से, पैडिक फील्ड से कौन सी गैस निकलती है, तो मीथेन गैस निकलती है। तो मीथेन गैस कहाँ कहाँ से निकलती है, धान के खेतों से निकलती है, इसके अलावा दलदली क्षेत्रों से निकलती है, ठीक है, दलदली क्षेत्रों से निकलती है। और धान के खेतों से निकलने वाली गैस का नाम कौन कौन सी हो गई, तो मार्स गैस।
यहाँ तक क्लियर हुआ? इसमें किसी के दिमाग में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बताइए भाई। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हाइपो। हाइपो है सोडियम थायोसल्फेट। क्या नाम आता है? सोडियम थायोसल्फेट को क्या कहा जाता है? हाइपो। इसका फॉर्मूला क्या है? Na2S2O3। फॉर्मूला क्या होता है? Na2S2O3.5H2O। ये हाइपो है, ये एक तरीके का रसायन है और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं में तथा निष्कर्षण में होता है। विभिन्न प्रकार के जो रिएक्शंस होते हैं, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं उनमें, और जो निष्कर्षण होता है, एक्सट्रैक्शन होता है, उनमें इसका उपयोग किया जाता है। तो यहां तक की चीजें क्लियर हो गई? बताइए इसमें किसी को कोई दिक्कत? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला आता है लाफिंग गैस, जिसको हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जानते हैं और इसका फॉर्मूला होता है N2O। तो याद रखिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि यह हमारे मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस को सक्रिय कर देता है। तो किसको एक्टिव कर रहा है? हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट कर देता है, सक्रिय कर देता है, और सक्रिय करने के कारण हमें क्या आने लगती है? इसके कारण खांसी आने लगती है, ठीक है? इसके कारण क्या हो जाती है? खांसी आने लगती है। और इसके अलावा जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि इसमें या इसके प्रभाव से व्यक्ति हंसते हंसते बेहोश हो जाता है। ये भी याद रखिएगा, इसके प्रभाव से व्यक्ति हंसते हंसते बेहोश हो जाता है। क्या हो जाता है? वो बेहोश हो जाता है, ठीक है? यहां तक की चीजें क्लियर हो गई? लाफिंग गैस का सीन क्लियर हो गया, ठीक है? अगला देखिए, अगला है ब्लीचिंग पाउडर। इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं और ब्लीचिंग पाउडर भी होता है। इसका उपयोग कहाँ होता है? रंग को उड़ाने में सफेदी लाने वाले रसायनों में। तो जो व्हाइटनेस को लाते हैं, सफेदी लाते हैं उसमें, और जो रंग को उड़ाने में उपयोग किया जाता है, तो रंग को उड़ाने में और सफेदी को लाने वाले रसायनों में इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है, ठीक? अगला देखिएगा इसी में, पानी को साफ करने में, यानी जल को शुद्ध करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला है बालू। बालू जिसको हम सैंड कहते हैं, क्या कहते हैं? रेत, यानी सैंड के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जानते हैं? सिलिकॉन ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सिलिकॉन ऑक्साइड, ठीक है? अब रेत का काम कहां पर होता है? तो इसका काम होता है चिप बनाने में, ठीक है? याद रखिएगा, कौन सी चिप? सेमी कंडक्टर चिप। सेमी कंडक्टर चिप का उपयोग किया जाता है, सेमी कंडक्टर चिप को बनाने में किया जाता है। और सेमी कंडक्टर चिप का उपयोग कहां करते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक तथा स्मार्ट उपकरण बनाने में।
ठीक है। तो जो स्मार्ट उपकरण होते हैं, स्मार्ट एपरेटस होते हैं वो, और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, उनके बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो बालू का फॉर्मूला क्या हो गया, सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2 चिप बनाने में और सेमीकंडक्टर चिप के निर्माण में और इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट गैजेट के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है चाइना व्हाइट। चाइना व्हाइट किसको कहा जाता है, जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है चाइना व्हाइट। याद रखिएगा ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है कि जो चाइना व्हाइट होता है वो क्या होता है, जिंक ऑक्साइड होता है। किसके काम आता है, तो सफेदी में काम आता है। ठीक है, जिंक ऑक्साइड। अगला है एल्कोहल। एल्कोहल का फॉर्मूला ये वही एल्कोहल है जो हम लोग आनंदवर्धक औषधि भी कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। क्या फॉर्मूला है, C2H5OH एथिल एल्कोहल। और इसका उपयोग किया जाता है, एक तो पीने में किया जाता है वो तो अलग है, नशे के लिए, अगला है जीवाणुओं को मारने के लिए, इसको मारने के लिए जो जीवाणु होते हैं ना, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और घाव को साफ करने के लिए, इन सब चीजों में इसका उपयोग करते हैं। अच्छा, यहीं पर इसी का एक छोटा भाई होता है जिसका नाम है मैथिल एल्कोहल। यहां लिख देता हूं मेथिल एल्कोहल, जिसका फॉर्मूला होता है CH3OH। क्या फॉर्मूला होता है, CH3OH मेथिल एल्कोहल। और याद रखिएगा ये कैसा होता है, जहरीला होता है, पॉइजनस होता है, जहरीला होता है। इसको पीने से व्यक्ति अंधा था, बाद में उसकी मृत्यु भी हो जाती है। अब इसमें दिक्कत मालूम क्या आती है कि जितने भी आपने जहरीली शराब सुनी, तो वो जो जहरीली शराब होती है, तो जहरीली शराब में बेसिकली जो जहर का कॉन्सेप्ट है वो मेथिल एल्कोहल का ही होता है। अब दिक्कत क्या होती है कि जो लोग सस्ती शराब पीते हैं वो चाहते हैं कि शराब पिए और ज्यादा नशा आए, उन्हें नशा ज्यादा चाहिए। अब ऐसी कंडीशन में होता है कि अगर उन्होंने मेथिल एल्कोहल पिया तो पीते ही आने लगेगा अंधापन, उन्हें लगता है हाँ नशा सही आ रहा भाई, बस सही है। ऐसी कंडीशन में क्या है कि नशा बढ़ता जाता है, और बढ़ने के कारण एक समय पे आकर के व्यक्ति अंधा हो जाता है। लेकिन उनको लगता है नशा, और ऐसी कंडीशन में अगर ज्यादा पी ले तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। और हर साल हजारों लोगों की मृत्यु सिर्फ इसी मेथिल एल्कोहल से मिली हुई शराब के कारण हो जाती है। ठीक है, तो एक तो शराब पीना ही नहीं चाहिए, और अगर कोई पी रहा है तो कम से कम मेथिल एल्कोहल वाली शराब तो बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए। अगला होता है कास्टिक सोडा, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, NaOH। इसको क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो साबुन बनाने में। साबुन बनाने में इसका उपयोग करते हैं सफाई के लिए। ठीक है, एक बात और कही जाती है कि कास्टिक सोडा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको कांच की बोतल में अगर रखा जाता है तो इसके ऊपर कैप नहीं लगाई जाती है। रीजन ये होता है कि अगर आपने उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया तो जो कांच होता है उसके बीच में अगर कास्टिक सोडा आ गया तो वो पिघला करके और उसको बॉन्ड बना देगा, जिसके कारण वो बोतल जाम हो जाएगी। अब अगर बोतल एक बार जाम हो गई तो ऑब्वियसली बात है बोतल फोड़नी पड़ेगी, और फिर कास्टिक सोडा तो कोई काम का रह नहीं जाएगा, बोतल अलग फूटेगी क्योंकि बेकार हो गई है। तो इससे बचने के लिए उन्होंने कह दिया कि भाई कास्टिक सोडा की जो बॉटल्स होती हैं उनमें ऊपर क्या नहीं लगाया जाता है, ढक्कन नहीं लगाया जाता है, क्योंकि उनके ढक्कन भी कांच के ही होते हैं। अगला क्या है, धावन सोडा, जिसको हम लोग वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। उसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, और फॉर्मूला याद रखिएगा Na2CO3.10H2O। इसका फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट का। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो कपड़े, साबुन में। कौन से साबुन में, कपड़े धोने के। एक बात और बता दीजिए
कि जितने भी ब्रांडेड साबुन को आप कभी भी यूज करेंगे उनमें कभी भी इस तरीके के सोडा का यूज या कार्बोनिक सोडियम कार्बोनेट का यूज ज्यादा नहीं किया जाता है। रीजन ये होता है कि सोडियम कार्बोनेट हमारी शरीर के या हमारे हाथ की स्किन के साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के बाद ये धीरे धीरे करके स्किन को क्या करता है, काटता जाता है। तो उससे बचने के लिए सोडियम कार्बोनेट को क्या किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट को एक लिमिटेड अमाउंट में डालते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप जब भी कपड़े वगैरह खरीदें या जब भी आप लोग कपड़े को धोने का साबुन खरीदें तो उस समय आप लोगों को सस्ती क्वालिटी वाले नहीं बल्कि अच्छी क्वालिटी के साबुन का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों के लिए दिक्कत हो सकती है। क्लियर। अगला ध्यान से देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या हो गया, CaSO4.2H2O, नहीं CaSO4.5H2 होगा। इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है, हम दोनों तरीके आपको बता देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। पहला है CaSO4.5H2, दूसरा होता है 2CaSO4.H2। अगर दो मॉलिक्यूल है CaSO4 के तो H2O एक जुड़ जाएगा, और अगर एक CaSO4 है तो हाफ H2O आएगा। तो याद रखिएगा कि इसको क्या कहा जाता है, कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट। तो हाफ हाइड्रेट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आधा पानी इसमें लगा होता है। इसका काम कहाँ कहाँ किया जाता है, तो पहले तो प्लास्टर में किया जाता है, और प्लास्टर मतलब चिकित्सा के लिए। इसके अलावा मूर्ति बनाने में, आपने सुना होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति आती है, बिल्डिंग के निर्माण में, ठीक है, तो बिल्डिंग के निर्माण में, मूर्ति के निर्माण में प्लास्टर वगैरह बनाने के लिए, तो ऐसे बहुत सारे कामों में किसका उपयोग किया जाता है, कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट CaSO4.2H2O का निर्माण किया जाता है या काम किया जाता है। अगला आता है चिली सॉल्ट पीटर, और चिली सॉल्ट पीटर का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम नाइट्रेट। क्या कहा जाता है, सोडियम नाइट्रेट, और फॉर्मूला है NaNO3। चिली सॉल्ट पीटर इसका उपयोग विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में, विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में किया जाता है। यहां तक क्लियर हो गया। अगला क्या है, बोरेक्स, सुहागा। अगर सुहागा की बात करेंगे तो इसको बोरेक्स कहा जाता है। फॉर्मूला याद रखना, Na2B4O7.10H2O, फॉर्मूला देख लीजिए Na2B4O7.10H2O। इसमें विभिन्न शुद्धि करने वाली प्रक्रियाओं में और धातु के शोधन में जितने भी धातु होती है ना, जितने भी मेटल्स होते हैं उनके प्यूरिफिकेशन में भी यूज करते हैं। अगला है फिटकरी। एलएम का फॉर्मूला क्या है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, और फॉर्मूला है K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस.24H2O। ये किसका फॉर्मूला है, पोटास एलम इसको कहा जाता है, पोटास एलम। इसका काम कहाँ कहाँ होता है, तो पहला होता है खून का थक्का जमाने में, जल के शुद्धिकरण में, तो खून का थक्का, ब्लड का क्लॉट जमाने में, और खून का शुद्धिकरण, जो जल होता है ना, अगर मटमैला पानी है, पानी में मिट्टी आ रही है, तो उस मिट्टी वाले पानी को प्यूरिफाई करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, यानी K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2 का यूज किया जाता है।
क्लियर हो गया। अगला है नीलोथुथा, जिसको हम ब्लू विट्रोल के नाम से जानते हैं, कॉपर सल्फेट CuSO4.7H2O। ये इसको क्या कहा जाता है, तूतिया या कॉपर सल्फेट के नाम से जानते हैं। इसका उपयोग रासायनिक अभिक्रियाओं में होता है। इसमें होता है तो रासायनिक अभिक्रियाओं में होता है। अगला होता है ड्राई आइस शुष्क बर्फ, और शुष्क बर्फ किसको कहा जाता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ठोस CO2 को कहा जाता है शुष्क बर्फ, कहा जाता है ड्राई आइस कहा जाता है। यानी कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड को अचानक से बहुत तेजी के साथ खोल दिया जाए तो वो बर्फ के रूप में दिखाई देती है, और इसको शुष्क बर्फ कहते हैं। आप लोगों ने शादी विवाह में देखा होगा, पहले स्नोफॉल के रूप में स्प्रे यूज किए जाते थे और प्रेशर डालते थे और सब वाइट वाइट जमा हो जाता था, फिर थोड़ी देर बाद उड़ जाता था, तो वो बेसिकली क्या होता था, कार्बन डाइऑक्साइड होती थी। तो याद रखिएगा, ड्राई आइस किसके नाम, किसको जानी जाती है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, शुष्क बर्फ। उसी तरीके से अगर जिप्सम की बात करेंगे तो उसका फॉर्मूला है CaSO4.2H2O। क्या है, CaSO4.2H2O। ये किसका फॉर्मूला है, जिप्सम का फॉर्मूला है। इसका यूज कहाँ करते हैं, तो इसका यूज करते हैं सीमेंट उद्योग में। और सीमेंट में इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसको कहते हैं जमने की गति को धीमा करने के लिए। जमने की गति को धीमा करने के लिए, तो जो सेटिंग ऑफ सीमेंट होती है उसकी गति को क्या करने के लिए, धीमा करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, जिप्सम का उपयोग किया जाता है। यहां तक क्लियर हो गया, कैल्शियम सल्फेट याद रहेगा CaSO4.2H2O। क्लियर। चलिए अगला देखिए, उजाला थोथा व्हाइट विट्रोल की अगर बात करेंगे तो जिंक सल्फेट को क्या कहा जाता है, व्हाइट विट्रोल। जैसे ब्लू विट्रोल पड़ा था उसी तरीके से व्हाइट विट्रोल होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उजला थोथा के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, उजला थोथा व्हाइट विट्रोल कहलाता है, जिसका फॉर्मूला है ZnSO4। क्या फॉर्मूला होता है, ZnSO4। अगला क्या है, हरा कसीस ग्रीन विट्रोल आता है, तो व्हाइट विट्रोल, ब्लू विट्रोल और ग्रीन विट्रोल, ये तीनों नाम याद रखना है। इसका फॉर्मूला क्या है, FeSO4.7H2O। FeSO4.7H2O ये फेरस सल्फेट के नाम से जाना जाता है, इसको कहा जाता है हरा कसीस। उसी के तरीके से कली चूना, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, इसी को बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। कौन सा चूना कहलाता है, बुझा हुआ चूना। याद रखिएगा कि आपने देखा होगा पान वाले जिस चूने का यूज करते हैं तो वो बेसिकली बुझा हुआ चूना होता है। अगर सीधे कैल्शियम कार्बोनेट का यूज कर देंगे ना, मामला गड़बड़ी हो जाएगा पूरा। अगला है सिंदूर। सिंदूर क्या होता है, HgS, मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है सिंदूर। तो सिंदूर का फॉर्मूला याद रखना, सिनेबार इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिनेबार। फॉर्मूला क्या होता है, HgS, मर्क्यूरस सल्फाइड होता है इसका फॉर्मूला। अगला देखिए ध्यान से, कहा जाता है शोरे का अम्ल, नाइट्रिक अम्ल की बात कर रहे हैं, शोरे का अम्ल, नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है। फॉर्मूला होता है HNO3। कहां कहां किया जाता है, तो टॉयलेट में, की सफाई में, धातु की सफाई में, बम बनाने में या विस्फोटक बनाने में, विभिन्न प्रकार के जो विस्फोटक होते हैं ना, उनको बनाने में भी किया जाता है। और किसमें किया जाता है, विभिन्न प्रकार के रसायनों में, रसायनों के निर्माण में।
इन सब चीजों में किसका उपयोग करते हैं, तो शोरे का तेजाब यानी नाइट्रिक अम्ल का यूज करते हैं, और विस्फोटक में तो बहुत ज्यादा इसका यूज किया जाता है। अगला कॉमन नमक के अम्ल यानी नमक के अम्ल कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ये हमारे शरीर में आमाशय में मिलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा वो कौन सा अम्ल है जो हमारे आमाशय या हमारे स्टमक में मिलता है, हमारे पेट में पाया जाने वाला एसिड कौन सा है, HCl होता है, और इसका काम क्या है, भोजन को गलाना, काम होता है भोजन को गलाना और जीवाणुओं को मारना। अगला है नौसादन। नौसादन क्या है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, याद रखिएगा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ये किसका नाम है, तो नौसादन को क्या कहा जाता है, अमोनियम क्लोराइड कहा जाता है, नौसादन, क्लियर हो गया। इसका उपयोग कई तरह किया जाता है, और नौसादन का यूज ये कैसा होता है, ऊर्ध्वपातन या एम्फोटेरिक नेचर का होता है, इन नेचर, इसका मतलब क्या होता है, गर्म करने पर ठोस सीधे गैस में बदल जाता है, गर्म करने पर ठोस किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। अगला है बकरा चूना, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चूने का पानी, स्लेक्ट लाइम भी कहा जाता है, स्लेक्ट वाइन, लाइम वाटर, फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। तो आपने आपको बताया था वैसे भी कि कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही आप गर्म करेंगे, सॉरी पानी में डालेंगे, और पानी में डालने के बाद ये किसमें बदल जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। अगला गंधक का तेजाब है, गंधक के तेजाब का फॉर्मूला क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। अगला होता है व्हाइट पोटाश, व्हाइट पोटाश फॉर्मूला देख लीजिए, KClO3, एक पोटेशियम क्लोरेट को कहा जाता है व्हाइट पोटाश। उसी तरीके से ग्लोबर सॉल्ट को कहा जाता है Na2SO4.10H2O, इसको ग्लोबर सॉल्ट या ग्लोबर लवण के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग सोडियम सल्फेट के नाम से जानते हैं, सोडियम सल्फेट, फॉर्मूला है Na2SO4.10H2O। इस नाम से जानते हैं Na2SO4.10H2O। अगला है कास्टिक पोटास, तो कास्टिक पोटास का फॉर्मूला क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या कहा जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और फॉर्मूला क्या होता है, KOH, और इसका प्रयोग भी किसमें किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है कपड़ों वगैरह के साबुन बनाने में ही इसका प्रयोग भी किया जाता है, क्लियर। फिर है सॉल्ट केक, सॉल्ट केक क्या होता है, Na2SO4, याद रखिएगा Na2SO4, ये किसका फॉर्मूला है, तो सॉल्ट केक का फॉर्मूला है, तो सॉल्ट केक का फॉर्मूला याद रखना है Na2SO4। नेक्स्ट है गैलेना, गैलेना क्या है, PbS कहा जाता है, और ये क्या है, तो लेड का, लेड यानी सीसे का अयस्क है, सीसे के अयस्क के नाम से जाना जाता है लेड ऑक्साइड, जिसको PbS के नाम से जानते हैं। साधारण नमक हमें पता है सोडियम क्लोराइड होता है, खाने वाला नमक है, वाला नमक, इसको हम लोग टेबल सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं, टेबल सॉल्ट या खाने वाले नमक के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक। फिर अगला है TNT, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्राई नाइट्रोटालुइन, इसका फॉर्मूला C6H2CH3NO2 का होल थ्राइस, ये बेसिकली एक क्या है, विस्फोटक है, ट्राई नाइट्रोटालुइन ये एक तरीके का विस्फोटक है, विस्फोट में इसका उपयोग किया जाता है TNT, ये TNT का पूरा नाम पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा TNT का पूरा नाम क्या होता है, ट्राई नाइट्रोटालुइन। इसके बाद खाने वाला सोडा NaHCO3, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं, बेकिंग
उद्योग में इसका उपयोग करते हैं। जो बेकिंग इंडस्ट्री होती है, बेकिंग उद्योग होता है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। अगला होता है शोरा, सॉल्ट पीटर। फॉर्मूला क्या होता है? KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3। ये किसका फॉर्मूला है? तो पोटेशियम नाइट्रेट शोरे का फॉर्मूला होता है। क्लियर। तो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते थे, वो सारे फॉर्मूले हमने आपको बता दिए हैं। अगर आप इनको तैयार करके जाते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूरी तरह से कन्फर्मली मिलने वाला है। तो इसके साथ साथ अब मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।